अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राशि वीडियो बन गाड़ी आ गई है तो ले आओ। उधर तो जाने का रास्ता बंद है भाई। अरे गाड़ी लेके आओ। हेलो कावरेट। अरे भाई कुछ दिख नहीं रहा, उधर जाने के रास्ते बंद है। अरे इधर से दूर हो या दीवार से ले। अरे छोटी और हमको भाई भेज दो। हाँ ठीक है, पटाखा बेच रहे। अरे इधर आओ ना, स्टेशन लेके लोग फंसे सब। अभी जो हमें मेडिकल रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 59 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है। सर अभी दमकल का विभाग का कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ बुलाई गई हैं? सारी नगर पालिकाओं की हमने दमकल की गाड़ियां बुलाई हैं, साथ ही आसपास के ज़िलों भोपाल और इंदौर से भी हमने डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स की मांग की है और वो भी जल्दी हमें उपलब्ध हो जाएगी। सर शासन द्वारा कोई आदेश जारी हो गया? राहत कार्यों की समीक्षा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से एक राहत समिति बनाई जा रही है। सर CM का कोई आदेश? CM साहब ने यही बोला है कि जिला प्रशासन मुस्तैदी से जितने भी जो भी राहत कार्य है उसको तत्काल करें और लोगों को राहत पहुंचाएं। सर इसके अलावा अभी और कोई कार्रवाई हुई व्यवसायी? इस पर हम पूरी जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदा में फटाखा फैक्ट्री में जो है भीषण आग लगी है, उसके बाद सर राहत दल यहाँ से देवास से भी सर पहुँचा है क्या कुछ? हाँ जैसा कि हम जानते हैं आज एक सुबह एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हरदा में, आज एक भीषण आग लगी है। उसी के तारतम्य में आयुक्त महोदय नर्मदापुरम के आदेश के अनुसार देवास ज़िले से भी राहत के दल पहुंचाए जा रहे हैं, यहां से डॉक्टर्स की टीम भेजी जा रही है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड्स भी यहां से सेंड किए हैं, एम्बुलेंस भी सेंड की है, इसके अलावा खातेगांव के हॉस्पिटल को भी हमने यहां से बता दिया गया है कि वहां पर यदि कोई पेशेंट आता है तो उनका तत्काल इलाज करें। सर क्या कुछ सामने आया घटना के से भी सर कुछ अभी तक? अभी डिटेल्स इसकी पूरी आई नहीं है, कितना इसमें नुकसानी हुई है, कितनी इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, बट अभी हम बस वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं कि अगर कल कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज अच्छे से हम कर सकें। थैंक यू।